Hello friends, I'm Dr. Rachna Parmar. We talk about bodily health. Menstrual cycle becomes a very important part of woman's health. Every month, a woman faces this difficult phase. But this particular health issue has been a little neglected one. Keeping this in mind, I did a small initiative at personal level to empower women on physical health level. Let me share some glimpse of that. Orphanage was approached where girls of puberty age were addressed related to the menstrual cycle and hygiene during those days. The myths prevailing regarding the menstruation were addressed. A barrier of hesitation was broken between us so that girls can interact and get answers to their queries. I would love to appreciate the girls. They were very attentive and participative. Smile on their faces gave me a sense of achievement. I would like to bring a small message of them to all of Purana us. Madam say, मैम जरा बताइए अपनी समिति के बारे में। यह संस्था को 32 साल हो गए स्टार्ट किए, श्रीमती संतोष सक्सेना ने स्टार्ट की। वो हमारे बीच में अब नहीं है क्योंकि बेटी अर्चना शर्मा संभाल रही है। वो 18 साल मुझे हो गए केयर टेकर में, सक्सेना मैडम के साथ ही मैं काम करती थी। और यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, ये सारी आदिवासी क्षेत्र के छोटे छोटे 8 जिले की बच्चियाँ हैं, छोटे छोटे गाँव से आनी है। हमारा मेन उद्देश्य बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें पढ़ाना। हमारे यहाँ बच्चियाँ कॉलेज तक पढ़ रही हैं, 2 बच्चियाँ अभी सेज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होके निकली हैं, वो जॉब के लिए जा रही हैं। 4 बच्चियाँ फाइनल ईयर में हैं। उनकी संस्था चलती है विदाउट गवर्नमेंट फंडिंग के, सबके सपोर्ट से चलती है। तो देखिए, आज स्पेशली मैं एज एन इंडिविजुअल आई हूँ, नॉट एज एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारे छोटे छोटे इनिशिएटिव से लोगों को फ़र्क पड़ सकता है, इन बच्चों को फ़र्क पड़ सकता है। जब मैंने बात की थी अर्चना मैम से, तो डोनेशन में क्या चीज़ें या बच्चों को क्या चीज़ों की ज़रूरत है बात की थी, तब मैंने उनसे पूछा था कुछ फूड सब्सटेंस बुक्स, और मैंने एक दूसरा ऑप्शन भी बताया था सैनिटरी पैड वगैरह का। तो तब उन्होंने मुझे कहा था कि दीदी सैनिटरी पैड का आप कीजिए बात, क्योंकि उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है। खाना पीना बुक्स फिर भी लोग कर देते हैं, और बच्चे जैसे बड़े हैं उनको तो हर चीज़ अपने को हर चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें तो अपन समझाएंगे बताएंगे चीज़ की जानकारी देंगे तो ही बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। और आप लोग आप आए हैं तो आपने इतने अच्छे से उन्हें समझाया है, उनको सारे बच्चों को मेरे को लगता है समझ में आया है कि मैडम ने आज हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है, बहुत अच्छा समझाया है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, देखिए अगर पैसा नहीं तो कम से कम ज्ञान या श्रम, ये भी एक दान है। आपने इतने सालों से जो भी स्किल्स अटेम्प्ट की है उसको भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों को गाइडेंस की काफी जरूरत होती है। प्लीज द एंड आई वुड लाइक टू कन्वे our small initiative even at personal level can make a big difference in someone's life. I'm wishful that we all together make such initiatives trending the way we do it in the case of entertainment videos or acts. Thank you everyone.